लास्ट लेक्चर का इनकम्प्लीट सम था. हम लोग ने कॉन्सेप्ट खत्म किए थे. कौन सा कॉन्सेप्ट? कैश रिजर्व रेशियो CRR और स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. 10 मिनट का ही सब बाकी था. लुक एट एडजस्टमेंट ऑफ वन इनकम्प्लीट सम है. कौन सा सम चल रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 20. नेसेसरी ट्रांसफर पहला एडजस्टमेंट, उसके नीचे तुमने अंडरलाइन किया है, इज टू बी मेड फ्रॉम कैश विद अदर बैंक्स टू मेंटेन 4% कैश रिजर्व ऑन फिक्स्ड करंट एंड सेविंग अकाउंट. यह क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में सीखा था. किसने मिस किया तो कॉन्सेप्ट तो सबके साथ सीखे जाएंगे. What was that concept? हम लोग एक काम करते हैं, ये आधा बंद करते हैं, पूरा बंद किया जाए. जब बच्चा बंद करता है ना कैसे करते हैं? इसको बंद, आप उसको बंद करो. हाँ, इसको बंद करो. इतना लगे दे, वो पूरा इतना लगे, बस. So, हमने लास्ट लेक्चर में किसके बारे में सीखा था? CRR. क्या कॉन्सेप्ट था? डिपॉजिट कॉलम का टोटल बताइए. डिपॉजिट कॉलम का टोटल 1437.12. CRR का कॉन्सेप्ट क्या था? जो भी हमारा डिपॉजिट कॉलम है उसका 4% कंपल्सरीली सभी बैंकों को रिजर्व बैंक को देना होता है. जितना भी हमारा डिपॉजिट्स होता है उसका 4% कंपल्सरीली हमको रिजर्व बैंक को देना है. सो हमारे प्रॉब्लम में क्या लिखा है? नेसेसरी ट्रांसफर इज टू बी मेड फ्रॉम कैश विद अदर बैंक टू मेंटेन 4% CRR. यदि 4% से ज्यादा कैश विद रिजर्व बैंक है तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर यदि 4% से कम है तो मैं ट्रांसफर करेगा. कहाँ से? बोला है कहाँ से कम है? फ्रॉम कैश विद अदर बैंक. तो लिखना स्टार्ट करो. Calculation of CRR. Adjustment 1. ठीक है? 4% of deposits. बताइए deposits कितनी है? 1487.12. 4% of deposits निकालो. Which comes to 59.48. This comes 59.48. इतना CRR हमारे पास होना चाहिए. This is what we want. ठीक है. Actual में क्या है? Actual cash with RBI वो है 37.88. कितना है? 21.60. So further transfer from cash with the other bank. Further transfer from cash with the other bank. So cash with the other bank का है यहाँ less transfer to RBI. ये concept की theory हमने last lecture में लिखी थी. उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अभी कर रहे हैं पहली बार. सो 21.60 और इधर कैश विद रिजर्व बैंक में इधर ट्रांसफर 21.60. और राइट. सो हमारी CRR की कहानी खत्म हो गई. हमको जितनी भी हमारी डिपॉजिट्स होती है उसका 4% कंपल्सरी ट्रांसफर करना होता है. जितनी भी हमारी डिपॉजिट्स होती है उसका कंपल्सरी 4% ट्रांसफर करना होता है. कहां से कहां? ये प्रॉब्लम में फ्रॉम कैश विद अदर बैंक टू
cash with Visa Bank. इसके साथ हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट खत्म हुआ क्या हुआ सब लीन गए इसलिए स्टार्ट क्या हुआ वापस फाइल बंद हो गई कि चालू है चालू चालू आप ठीक है पूरा मोड आ रहा है हाँ हाँ ऑल राइट ठीक है चलिए अभी सेकंड एडजस्टमेंट ठीक से पढ़ना इंग्लिश समझना जो प्रिंट हुआ है चेक कितने पढ़ना और मान चेक खाली वर्ड है चेक अंडरलाइन चेक करो खाली चेक करना है क्या चेक करना है कितना परसेंटेज 19.5% शायद प्रिंट चेक करी थी कुछ किया होगा मैंने बोला 19.5 कर दो किसके बारे में बात चल रही है Check 19.5% of demand type liabilities to be maintained in cash, gold or unencumbered security. Unencumbered माने mortgage free security. ये क्या चक्कर है? तो demand deposit मतलब saving and current account, time deposit माने fixed deposit, दोनों मिलकर deposit column. ये deposit column का 19.5% हमारी bank में लिक्विड एसेट के फॉर्म में रखना है सो उसका नाम है एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये जो सीआरआर एसएलआर एवरी थ्री मंथ रिजर्व बैंक चेक करती है मॉनिटर करती है कि सही है कि गलत है यदि उनको लगता है तो दे चेंज इट पहले एसएलआर 23% था घटा घटा के अभी 19.5% ले आए हैं हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है जब भी रिजर्व बैंक को मनी सप्लाई बढ़ाना है SLR CRR घटाएंगे तो ऑपोजिट मनी सप्लाई मार्केट से कम करना है इन्फ्लेशन घटाना है SLR CRR बढ़ाते हैं एनीवे वो इकोनॉमिक्स में आप लोग ने सुना है हमको 19.5% SLR करना है चेक करना है तो है नहीं तो नहीं है पर नंबर टू रिक्वायर्ड SLR स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो 19.5% of deposit column 1487.12 पता ये 19.5% कितना होता है which comes to 289.99 okay अब actual liquidity कितनी है ये किस में होना चाहिए नंबर वन कैश नंबर टू गोल्ड एंड नंबर थ्री अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मतलब मोर्टगेज फ्री सिक्योरिटीज अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज मतलब मोर्टगेज फ्री सिक्योरिटी कैश का मीनिंग क्या है नंबर वन कैश है नंबर टू एक्स्ट्रा कैश विथ आरबीआई अबव सीआरआर ऐसा है तो नंबर थ्री कैश विथ अदर बैंक एंड नंबर फोर मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट नोटिस ये कैश का मीनिंग है चार बातें कैश में लिखी है ये कैश हो गया नंबर टू गोल्ड नंबर थ्री अनएनकम्बर्ड अपोन सिक्योरिटीज मतलब मोर्टगेज फ्री अपोन सिक्योरिटी ये मेरा टोटल लिक्विडिटी है कैश का मीनिंग है कैश इन है हमारी कैश इन है 160 रुपीज 15 पैसे एक्स्ट्रा कैश में तो आरबीआई नहीं है क्यों हमारा तो कम पैसा पड़ता था कैश विद अदर बैंक 134.27
1 year call and short notice, 200 रुपए वाला पैसा, ये cash का meaning है. Gold 55.23, unencumbered government security 110.27. टोटल वाला cash का. Total liquidity. हमको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, खाली चेक करना है कि बैंक पे सफिशिएंट लिक्विडिटी है या नहीं है. है तो लिखेंगे कमेंट में देयर इज सफिशिएंट लिक्विडिटी. नहीं है तो भी कमेंट लिखेंगे देयर इज नो सफिशिएंट लिक्विडिटी. किधर से भी पैसा ट्रांसफर नहीं करना है, सफिशिएंट लिक्विडिटी नहीं है तो बैंक क्या करेगी? टेम्पररी लोन्स एंड एडवांसेस नहीं देगी. बट जो भी लोन्स एंड एडवांसेस की रिकवरी हो रही है वो कैश गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगी. कमेंट, मुझे कितनी लिक्विडिटी चाहिए? 289 सफिशिएंट है. देयर इज सफिशिएंट लिक्विडिटी. देयर इज sufficient liquidity. There is sufficient liquidity. बस कमेंट लिखना है. Contingent liability. What is the simple meaning of the word contingent liability? Liability which may or may not arise. Acceptance endorsement का meaning अभी नहीं दे रहा हूँ. आज ही सीखने वाले हैं. Amount कितना है? 14.12. Acceptance endorsement contingent liability है. इसका meaning आज देखने वाले हैं.
The amount is 14.12. और उसके बाद भी वही है, क्या ही है? Claim against the bank not accepted as debt. Claim against the debt. Claim against the bank not accepted as debt. ये अमाउंट है 0.55. इसका मीनिंग क्या है? किसी ने बैंक के खिलाफ पैसे मांगा है, बैंक ने बोला कहेगा पैसा, जैसे कि बैंक ने वर्कर को निकाल दिया, बोलता तुम ठीक काम करते नहीं है, जाओ नौकरी गई तुम्हारी। वर्कर ने बोला ठीक है 2 लाख रुपया कॉम्पेंसेशन दे दो, हमारी बैंक ने बोला कहेगा 2 लाख, वर्कर कोर्ट में गया है, बैंक हारेगी तो पैसा देना होगा, बैंक जीतेगी तो पैसा नहीं देगा, ऐसे उनके बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया, दैट्स अ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्सेप्टेड एज डेट। आगे क्षमा एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन का पहले ही कर दिया था लास्ट टाइम, सेवंथ देखो सेवंथ क्या है, 50% ऑफ टर्म लोन असिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, 10% ऑफ कैश क्रेडिट आर अनसिक्योर्ड, अदर पोर्शन इज सिक्योर्ड। अब ये ध्यान दो, पहली बार आया तो भी दिमाग लगाना, बैंक का बिजनेस क्या है? लोगों को लोन देना, एडवांसेस बैंक के लिए असेट है, बैंक यूज लोन इन 3 डिफरेंट वे, पहली बार आया तो भी सुनना है, बैंक 3 तरीके से लोन दे सकती है, वो तीनों मेथड ट्रायल बैलेंस में होता है, which 3 different way bank can give the loan, वो यहाँ है, A, bank can give the loan in 3 different way, कौन सी 3 different way है? Number 1, bill discount के rent purchase, ये अपना 12वीं वाला, go to bank and get the money, bank ने bill discount किया मतलब bank ने loan दिया, उसको बोलते हैं डिस्काउंट एंड परचेज, जो हमारे सामने नहीं है तो डैश आया। नंबर 2 कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड, याद रखना है कैश क्रेडिट माने लोन अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर, बैंक स्टॉक एंड डेटर के सामने लोन देती है, जब तुम लोग ऑडिट करने जाएंगे ना तो तुमको जो बैंक वगैरह का देखना होगा तो बिजनेसमैन ने कैश क्रेडिट लिया होगा, तुमको उसकी डीपी लिमिट देखनी होती है, क्या होता है डीपी लिमिट, ड्रॉइंग पावर, कितने लोगों ने नाम सुना है डीपी लिमिट, ऑडिट करने जा रहे हैं उसमें, चलो एक दो जन ने तो सुना है, ड्रॉइंग पावर मतलब क्योंकि लोन स्टॉक और डेटर के सामने है, कितना स्टॉक है कितना डेटर है, बैंक उसका 50-60-70% लोन देगी तो हमारा ड्रॉइंग पावर लोन का कितना है वो सब ऑडिटर को चेक करना होता है, जब आर्टिकल शीट में जाएंगे थोड़े बहुत तब सीखेंगे। एनीवे कैश क्रेडिट माने सिंपल मीनिंग क्या है, लोन अगेंस्ट स्टॉक एंड डेटर, और इस ओवरड्राफ्ट अब तो बचपन से सीखते आ रहे हैं, कस्टमर ने अपने खाते में 10,000 रुपया भरा है 12 निकाल दिया, 2,000 एक्स्ट्रा जो कस्टमर ने निकाला है वो ओडी हो गया, बैंक के लिए असेट है कस्टमर के लिए लायबिलिटी, एंड लोन्स रीपेएबल ऑन डिमांड, बैंक ने लोन दिया कभी भी मांग सकते। नंबर 3 टर्म लोन, टर्म लोन क्या होता है, हाउसिंग लोन, कार लोन, प्रोजेक्ट लोन, फर्नीचर लोन, वो टर्म लोन होता है, कस्टमर ईएमआई में पैसा भरता है, सो बैंक गिव्स लोन इन 3 different वे, और ये तीनों तरीका हमारे को ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ इनकम 1 in 1 time, सो ट्रायल बैलेंस से मेरा बैलेंस शीट में आने वाला है कितना है टोटल, टोटल पता ये नहीं है, हमने लास्ट स्टेज में कभी आए तो भी ट्रायल बैलेंस है कितना 1,632.98, चेक करो वो मेरा बैलेंस शीट में आने वाला है, पता है ना, एक बार वो सिर्फ एक ही बार आने वाला है जब तुम बैलेंस शीट बनाएंगे तभी। कौन सा 3 तरीका है बोलिए, अधिकिशन नंबर 3 बताओ, लोन देने का तरीका, मेथड नंबर 3 उसका, मेथड नंबर 3 3 में, अरे द थ्री वे इन व्हिच बैंक यूज द लोन, व्हाट इज द थर्ड वे, टर्म लोन, उस्ताद नंबर 1 विल डिस्काउंटेड इन परचेस, नंबर 2 कैश क्रेडिट होता है,
ट्रायल बैलेंस सीधा बैलेंस शीट में आएगा, ओवर, कहानी खत्म। अब मुझे बैंक को, कस्टमर को, डिपोजिटर को, गवर्नमेंट को, पब्लिक को और कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। मगर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं एज ए स्टूडेंट तब दे सकता हूँ जब पेपर में दिया है। वो क्या है? यही 16-32-98 मुझे क्लासिफाई करके देना है कि बैंक ने जो लोन दिया है वो सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है। सिक्योर्ड है मतलब क्या? अरे कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो बैंक असेट उठा के बेच डालेगी। अनसिक्योर्ड है तो बैंक कुछ नहीं कर सकती है, कोर्ट में खाली जा सकती है। मगर मैं ये सब इन्फॉर्मेशन एग्जाम में तब दे सकता हूँ जब पेपर मुझे देता है। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन एडजस्टमेंट नहीं होती है। क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन? ये ए है तो ये बी है। नंबर वन, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट, सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट मतलब कस्टमर ने गोल्ड, मकान, दुकान गिरवी रख के लोन दिया है। यदि कस्टमर ने पैसा नहीं दिया बैंक उसके असेट बेच के वसूल करेगी। नंबर टू, कवर्ड बाय गारंटी ऑफ गवर्नमेंट और अदर बैंक मतलब हमारी बैंक को कस्टमर ने कोई दूसरी बैंक ने गारंटी लाके दिया है कि कस्टमर फेल हो गया दूसरी बैंक कस्टमर का पैसा भरपाई कर देगी, कस्टमर फेल हो गया गवर्नमेंट पैसा भरपाई कर देगी हमारी बैंक को, दैट्स अ कवर्ड बाय गवर्नमेंट और अदर बैंक। एंड थर्ड इज अनसिक्योर्ड। अगेन ये इन्फॉर्मेशन मैं एग्जाम में कब दे सकता हूँ? पेपर में दिया। यही इन्फॉर्मेशन मुझे वापस से एक बार देनी पड़ती है। भाई लोन इंडिया में दिया है कि आउटसाइड इंडिया है? बट अगेन ये सब इंफॉर्मेशन मैं तब दे सकता हूँ जब क्वेश्चन देता है। लुक एट योर क्वेश्चन, 50% ऑफ टर्म लोन असिक्योर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी। बताओ टर्म लोन कितना है? 792.88, उसका 50% निकालो। 50% of term loans are secured by government guarantee. जो भी term loan है उसका 50%। आगे क्या लिखा है? $10 of cash credit unsecured, cash credit trial balance में दिया था debit side, 812 रुपया 10 पैसा, इनफैक्ट इधर भी लिखा था, 10% 812 रुपया 10 पैसा unsecured trial balance में debit में दिया था, cash credit है, इसका 10% निकालो, 81.21, trial balance में दिया है, 812 रुपया 10 पैसा, उसका 10% 81 रुपीस 21 पैसे, and the last अदर पोर्शन इज सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट। अब जो भी बचा उसको बैलेंस शीट भी करे लो, वो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट है, वो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट है, वो सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट है। सिक्योर्ड बाय टेंजिबल असेट है कितना? 11.55 हमको इन इंडिया आउटसाइड इंडिया नहीं मालूम है, वो ब्रेकअप नहीं है तो मैं नहीं लिख सकता हूँ, वरना हमको इन इंडिया आउटसाइड इंडिया का भी ब्रेकअप देना होता है। तो इसके साथ हमारा समय पूरा खत्म हो गया। चलिए टोटलिंग स्टार्ट कर लो। कुछ वर्किंग मैंने बोर्ड पर नहीं लिखी है जो लास्ट लेक्चर में लिखी थी, जो लोग ये कॉपी करते फटाफट करने जा रहे उसके लिए मैं बोल रहा हूं। टोटल करते जाओ 198।
check the total. Cash in hand is 219,563. Balance with other bank, money and foreign short bodies, 344.39. Investment. Thank you.
विश्व ने जब नंबर 19 का फीस बताया नाम नहीं है तो उनको लिखना होगा हाँ फीस बताया नाम नहीं है तो उसको लिखना है और साइन भी करना है नंबर ग्रीन कलर मतलब नंबर 19 लाल कलर किधर है पीछे गया लाल कलर मतलब मई 19 के लिए फीस बताया मगर नाम नहीं है तो लिखना है चले बंद करे आ गई आप जरा मुझे समझाओ इधर देखो उस्ताद तुम भी देखो जरा ये कैपिटल में क्या आता है अबे कैपिटल कैपिटल आता है जो बचपन से देख रहे थे बैंक की बैलेंस शीट है बैंक के एंगल से समझना रिजर्व क्या होता है बैंक के लिए रिजर्व होता है जनरल रिजर्व होता है डिपॉजिट पता है बैंक में कस्टमर खाता खोलता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट फिक्स्ड डिपॉजिट मेरे तुम्हारे लिए वो असेट है वही डिपॉजिट बैंक के लिए क्या है बोरोइंग माने लोन लेना बैंक भी लोन लेती है बैंक भी डिबेंचर इशू करती है अदर लायबिलिटी जो ऊपर में है वो सब इधर क्रेडिट बिल्स पेबल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डिविडेंड पेबल सब इधर आएगा टैक्स पेबल कैश इन हैंड समझते हैं कैश विद रिजर्व बैंक भी अभी समझा आप क्या बताता है बैलेंस विद अदर बैंक वो भी समझता है मनी एंड कॉल एंड शॉर्ट कॉट इसका होता है जब एक स्टूडेंट को पैसा चाहिए अभी तो तुम्हारा दोस्त से मांगने वाला है ना उधारी तो खुद के लिए लायबिलिटी बनेगा दोस्त के लिए क्या बनेगा असेट बिजनेसमैन को कभी कभी पैसा चाहिए सुबह में कोई अर्जेंट पेमेंट करना है धंधा भी नहीं हुआ अभी तो दुकान खोला है तो पड़ोसी की दुकान में जाके बोलेगा अरे भाई पैसा ला मैं शाम को दे देता हूँ एग्जैक्टली सेम में बैंक को भी कभी कभी पैसा लगता है चार घंटे के लिए छह घंटे के लिए एक दिन के लिए वो भी अपने दोस्त के पास जाता है कौन होता है उसका दोस्त दूसरी बैंक एक दिन के लिए दो दिन के लिए तीन दिन के लिए पैसा उधार ही लेता है जो बैंक पैसा ले रहा है द वन हु टेक्स मनी उसके लिए तो लायबिलिटी बोरो ही हो जाएगा बट द वन हु गिव्स मनी उसके लिए असेट है उसको बोलते हैं मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हमने दिया पड़ोसी को टेम्पररी एडवांस यही तो बीसी का फिक्स असेट लैंड बिल्डिंग मशीन अदर एसेट आउटसाइड द बैलेंस शीट इंफॉर्मेशन कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी बिल्स फॉर कलेक्शन ये हम देखते हैं विद दिस बैकग्राउंड हमारे को एग्जाम में ये चैप्टर में टॉपिक में क्वेश्चन कैसे पूछते हैं हमको ओनली बैलेंस शीट हार्डली कभी पूछते हैं ओनली पीएनएल कभी कभी पूछते हैं बैलेंस शीट प्लस पीएनएल कभी नहीं पूछते हैं बैलेंस शीट प्लस पीएनएल कभी नहीं पूछते हैं कभी नहीं हाँ पीएनएल ओनली पूछ लेते हैं ओनली बैलेंस शीट कभी कभी पूछ लेते हैं तो फिर क्वेश्चन क्या आता है आंसर फोर फोर मार्क्स के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं अभी क्या नेक्स्ट नंबर आया सिक्स नंबर कॉन्सेप्ट नंबर सिक्स ये सबको समझेगा जो आ गया है पहली बार उनको भी कल प्रवीण एक्चुअली मोड में जाना है बिल्स फॉर कलेक्शन तब समझ में आ जाएगा सीए क्या अभी तो मस्त है
रोज घर पे ऑफिस से घर जाते हैं रोज सोचते हैं आज से पढ़ेंगे रोज खाना खाते हैं और खाने खाने के बाद रोज नींद तुरंत आ जाती है ये तुम्हारा चक्र भी चलते रहा है चलते रहने वाला है पढ़ने वाले कब है आंसर नहीं पढ़ने वाले अच्छा किसने कल कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू कंपनी रिवाइज किया चलो दो बच्चे तो है तीन है अभी समझो हम लोग 50 है हमारी इंस्टीट्यूट का रिजल्ट 6% आता है तो तीन बच्चे ही पास होते हैं ऑलराइट अब क्योंकि कल रिवाइज नहीं किया अब अगले साल रिवाइज होगा क्योंकि आज तो नया पढ़ लिया हमने कल और नया पढ़ेंगे आइदर यू आर रिवाइजिंग सेम थिंग सेम डे और नेक्स्ट ईयर फिलहाल हम 12th पर चलते हैं बिल्स फॉर कलेक्शन की बात कर रहे हैं याद करिए कस्टमर के पास 12th में बिल ऑफ एक्सचेंज है 12th स्टैंडर्ड ही वांटेड अर्जेंट मनी गो टू बैंक एंड डिस्काउंट द बिल वो हमको आता है मगर सपोज मैं कस्टमर हूँ मुझे जल्दी पैसा नहीं चाहिए तो मैं क्या करता था आई विल गिव द बिल टू बैंक काय के लिए कस्टडी एंड कलेक्शन याद आया कुछ हम 12th स्टैंडर्ड में आई होप तुम्हारे में से साइंस वाला कोई नहीं है हम 12th स्टैंडर्ड में बिल्स कस्टमर को दे रहे थे ओनली फॉर कस्टडी एंड ओनली फॉर कलेक्शन ठीक है बैंक क्या करेगा तीन महीने तक बिल अपने पास संभाल के रखता है याद आया ड्यू डेट तक फिर क्या करता है ड्यू डेट पर बैंक विल गो टू ड्रॉइंग बैंक ड्रॉइंग के पास जाएगा बिल देंगे पैसा ले आएगा सो बैंक को मनी कब मिलेगा तीन महीने के बाद फिर बैंक अपने पास 10-20 रुपया 100 रुपया 500 रुपया कमीशन ले लेगा सर्विस चार्जेस और कस्टमर को पैसा दे देगा कब ड्यू डेट पर कलेक्शन के बाद ठीक है सोच के आंसर दो कस्टमर ने बिल बैंक को दिया मैं बैंक हूँ मेरे पास बिल पड़ा है इधर पड़ा है बैंक बिल्स मेरे लिए वो असेट है लायबिलिटी है कि कुछ नहीं है मेरे पास बिल पड़े है ड्यू डेट आया नहीं है वेटिंग फॉर कलेक्शन बताओ मेरे लिए असेट है लायबिलिटी है कि कुछ नहीं है कुछ भी नहीं है मेरे लिए थोड़ी असेट है असेट तो ड्रॉइंग की ये कस्टमर की है लायबिलिटी भी मेरे पास नहीं है किसकी है ड्रॉइंग के लिए लायबिलिटी है ही विल हैव टू पे मैं तो जस्ट मिडल मैन हूं एजेंट टू लाइक बिल संभाल के पड़ा है मेरे लिए ना असेट है ना लायबिलिटी है क्योंकि मेरे लिए असेट भी नहीं है लायबिलिटी भी नहीं है उसकी मैं एंट्री कोई करने वाला नहीं हूं बैलेंस शीट में खाली इंफॉर्मेशन के लिए कि कितने बिल्स मेरे पास पड़े हैं खाली इंफॉर्मेशन के लिए मैं आउटसाइड द बैलेंस शीट एक अमाउंट लिख देगा कोई शेड्यूल नंबर नहीं दैट मींस 31 मार्च रात को 12 बजे कस्टमर के हमारे पास वेटिंग लेंथ के बिल्स पड़े हैं ड्यू डेट आया नहीं है वेटिंग फॉर कलेक्शन एज ऑफ टुडे मेरे लिए ना असेट है ना लायबिलिटी है कहानी खत्म आगे चलते हैं लेकिन सपोज भले मेरे लिए असेट भी नहीं है मेरे लिए लायबिलिटी भी नहीं है मगर मुझे जबरदस्ती से इसकी एंट्री करनी है तो कर सकता अब जबरदस्ती से करना तो कुछ भी कर सकते मैं आराम से एंट्री कर सकता हूँ कैसे कुछ भी लिखेगा एक डेबिट पे लिखेगा एक क्रेडिट पे लिखेगा चलो अपने को एंट्री करना है नया मेथड ऑफ बुक कीपिंग जैसे तुम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना रॉबिन्सन डिफाइंस इकोनॉमिक्स तब हमारा शुक्ला जी सोचते थे एक दिन मेरा भी नाम आएगा शुक्ला जी डिफाइन समथिंग सोचा था या नहीं सोचा था खाली इतना जवाब दे आंसर बोल यस और नो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं इकोनॉमिक्स की बात ही नहीं कर रहा कुछ भी शुक्ला जी डिफाइन समथिंग सोचा था ना नहीं हाँ तो जोर से बोलना सर मन जा रहा है फीस थोड़ी लगती है तो ऐसे मैं भी बुक लिखता हूँ CA डॉक्टर विजय सत्रा न्यू बुक कीपिंग मेथड जिसमें मैं जबरदस्ती से इसकी एंट्री करेगा अपनी बुक है अपनी मेथड है तुमको पसंद आए तो करना वरना मत करना ये मेरी मेथड है बुक खरीदा तो सुनो क्लास में आया तो सुनो क्या मेथड है मैं दो अकाउंट खोलता हूँ एक का नाम है बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट अकाउंट
इतना नाम होगा बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट, शॉर्ट में एक मैं तो बीएफसी ऐसे बीएफसी लायबिलिटी, ठीक है। अब व्हेन बिल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स, जब कस्टमर से मुझे बिल्स मिला, बताओ मैं क्या एंट्री करूं? मेरे लिए असेट हो गया, मैं बैंक को नहीं है तो भी कर दिया था, असेट हो गया क्योंकि मैं ड्रॉइंग से लेगा, लेकिन मेरे पिताजी का थोड़ी बिल है, कस्टमर का है, आई हैव टू पे मनी, तो लायबिलिटी भी तो हो गया, तो बताओ मैं क्या एंट्री करूं? मेरे को बिल मिला बीएफसी असेट, बीएफसी लायबिलिटी, असेट क्योंकि ड्रॉइंग से लेने वाला हूँ, लायबिलिटी क्योंकि कस्टमर के पैसे है, मैं तो मिडल मैन हूँ, ये एंट्री क्यों किया? बोला ना मैंने बुककीपिंग में खड़े पढ़ना है तो पढ़ो वरना मत पढ़ो, क्योंकि शुक्ला जी ने सोचा ऐसे, मैंने भी सोचा था ना 11 में कि मैं बुककीपिंग की बुक्स लिखेगा, फिर आज के बाद तुम लोग भी लिखेंगे न्यू बुककीपिंग मेथड बाय सीए डॉक्टर विजय सत्रा, क्योंकि मैं बुककीपिंग 9th स्टैंडर्ड से पढ़ रहा हूँ और 9th से लेके अभी तक लाइफ में कभी मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई, एग्जाम में भी ऐसा नहीं हुआ आज तक, कोई भी एग्जाम है सीएस 9वीं से लेकर अभी तक, क्यों? क्योंकि मुझे कुछ परम सत्य 9वीं में ही समझ में आ गया था और उसकी वजह से 9th में भी मेरी बुककीपिंग में फर्स्ट रैंक आती थी, मेरे और सेकंड रैंक के बीच में बुककीपिंग के मार्क्स में 25 मार्क का डिफरेंस, क्या परम सत्य समझ में आया था? दुनिया में कुछ भी हो जाए एक डेबिट होता है, एक क्या हाँ, यदि तुम्हें वो पता होता था तो बैलेंस शीट लाइफ में हमेशा टैली होती थी, लेकिन तुम्हारी नहीं हो रही है, 12th के बाद लाइफ में तुम्हारी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है। सत्य नंबर दो, कोई भी ट्रांजैक्शन में एक इजी होता है डेबिट क्रेडिट में। सत्य नंबर तीन, 90% ऑफ द ट्रांजैक्शन डेबिट नहीं तो क्रेडिट, कैश नहीं तो गुड्स होता है, वो तो इजी है, डेबिट कार्ड कम सिर्फ क्रेडिट कार्ड हो सर बस। इतना समझने के बाद 11th स्टैंडर्ड में जब गुजराती मीडियम से इंग्लिश में गया तो मुझे कुछ नहीं समझता था इंग्लिश में क्या लिख रहा था, फिर भी अपना बैलेंस शीट टैली क्यों पीछे लिखता था, गुड्स विड्रॉन 1000, विड्रॉन का तो मीनिंग ही नहीं मालूम था, गुड्स तो आता था ना चेक था, गुड्स रियल गोइंग क्रेडिट नहीं समझा वो ड्रॉइंग डेबिट, हाँ सिंपल बोलता रहा हूँ मैं, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, गुड्स रियल गोइंग क्रेडिट नहीं समझा वो फ्री सैंपल एडवर्टाइजमेंट डेबिट, लॉस बाय फायर गुड्स रियल गोइंग क्रेडिट नहीं समझा वो लॉस बाय फायर डेबिट, अपन उछिया इसको तो नहीं मालूम था अपने ट्रिक क्या है, समझ में आया? तो इधर भी वैसे ही है, अपनी बुक की भी बिल आया मेरा है या नहीं है क्या करना है, मैंने बोल दिया मेरा है तो असेट डेबिट टू लायबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन ऑन ड्यू डेट bills dishonored, that is money not received, when on due date bill dishonored money not received, क्या करें? कुछ नहीं, बिल वापस ले लो, कस्टमर को बोलो अच्छा है रखते हैं पास, एंट्री क्या करूं बोलो, कैंसिल कर दो, अभी अभी जो बिल आया था कैंसिल कर दो, बीएफसी लायबिलिटी टू बीएफसी असेट, बीएफसी मतलब क्या? बिल्स फॉर कलेक्शन, ठीक है। चौथा, व्हेन ऑन ड्यू डेट, फोर्थ वन, व्हेन ऑन ड्यू डेट मनी रिसीव्ड फ्रॉम ड्रॉइंग कलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉइंग, तब हम दो एंट्री करने वाले हैं, एक तो ड्रॉइंग से पैसा आएगा, कैश कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन, अमाउंट मैं ऐसे लिखता हूँ से उसमें से 50 रुपया मेरा कमीशन है, माफी ना लगता हूँ, लेकिन बाकी का 9,950 मेरा नहीं है, कस्टमर के खाते में जमा कर देगा। और एक एंट्री आएगी, बताओ क्या? ड्यूडेट पर पैसा आया, ये आज ही सीख रहे हम लोग, तो तुम्हारे को भी आना चाहिए, अभी किसने सिखाई की था, बताओ कौन सी दो एंट्री है? मेरे को ड्रॉइंग ने पैसे दिए
तो पहले तो पैसे दिए तो मैंने लिए कैश कमिंग इन डेबिट व्हाट कम्स इन 50 रुपए का कमीशन है बैंक को नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट और इनकम एंड गेन 9,950 कस्टमर को दे दिया और एक एंट्री होगी कौन सी अरे बिल भी तो पड़े है ना बिल भी रखा पैसा भी रखा डबल तो बिल को कैंसिल कर देना होगा दे देना होगा उसको तो क्या एंट्री करूँ बीएफसी लायबिलिटी डेबिट क्योंकि मेरा बिल चला गया बीएफसी असेट तो एंट्री क्यों किया अरे बिल भी रखेंगे और पैसा भी रखेंगे तो बिल तो दे देंगे सो बीएफसी लायबिलिटी टू बीएफसी असेट ठीक है दैट मींस हमारे अकाउंट में हमारी किताब में दो अकाउंट बनेंगे एक होगा बीएफसी असेट और एक होगा बीएफसी लायबिलिटी एंड ऑफ द ईयर क्या करेंगे अकाउंट को टैली करेंगे दोनों में सेम ही बैलेंस आएगा लेकिन लिखेंगे कहां बैलेंस शीट के बाहर बिल्स को कलेक्शन दो बार नहीं एक ही बार लिखेंगे एक साल का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा लिखो ये बात नोट बुक पर रेडी क्लिक ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 6 ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शन कॉन्सेप्ट नंबर 6 ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शन ट्रीटमेंट ऑफ बिल्स फॉर कलेक्शन लिखो व्हेन Bank receives bills for collection. When bank receives bills for collection, comma, for bank, it is not an asset. For bank, it is not an asset. Not a liability. Not a contingent liability. Not a contingent liability. It is not an accounting item. It is not an accounting item. Will appear on the debit side of
बीएफसी ब्रैकेट में एसेट अकाउंट, बीएफसी ब्रैकेट में एसेट अकाउंट एंड ऑल्सो बीएफसी एसेट अकाउंट एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ एंड ऑल्सो ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बीएफसी ब्रैकेट में लायबिलिटी अकाउंट as opening balance brought down next line number 2 for receiving bills for collection for receiving bills for collection Thank you, Polo. For receiving bills for collection, BFC asset account debit to BFC liability. When bill dishonored, that is money not collected. Tisra, when bills dishonored, that is money not collected. When bill dishonored, that is money not collected. Entry Bata. Answer to the entry. Chota kya likha? When on due date? Next lecture last. Money received from drawing. When on due date, money received from drawing, A, receive money, cash debit, amount mein aise likhta hu, commission. बैंक का कमीशन 50 रुपया है तो व्हाट अबाउट बाकी का 9,950 बीएफसी लायबिलिटी टू बीएफसी एसेट The final balance in about two accounts the final balance in about two accounts represents bills in hand waiting for collection bills in hand waiting for collection
which is shown outside the balance sheet, which is shown outside the balance sheet in final account. Which is shown outside the balance sheet in final account. Question number 18A. Exam mein aate rehta hai. Question number 18A. अभी हम जो सीखा उसका पहले के लेक्चर से कोई कनेक्शन नहीं था क्योंकि नया मैं चला बुक कीपिंग है तो पहले लाइन में तुमने सीखा ही नहीं और ये 18A का लास्ट लाइन पढ़ो क्या पूछा है प्रिपेयर व्हाट बिल्स फॉर कलेक्शन असेट अकाउंट बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट ठीक है तो क्वेश्चन रीड करें सो बताएंगे हम लोग दो अकाउंट बनाने वाले हैं पीएफसी एसेट पीएफसी लायबिलिटी आगे ऑन 1st अप्रैल बिल्स फॉर कलेक्शन में 7 लाख बोलो कहां लिखेगा बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऑलरेडी हमारे पास 7 लाख के बिल है सो बैलेंस गॉट डाउन Balance got down, asset or liability में. During the year 4-5, bills for collection amounted to 64,50,000. ये क्या है? अभी customer ने हमको bill दिए नए संभालने के लिए. क्या entry होगा? BFC asset to BFC liability entry होगी. आगे. Bills collected were 47 lakh. मतलब क्या? 47 के पैसे मिले. कौन सी दो एंट्री है कैश डेबिट 47 लाख कमीशन पता नहीं है कि कैश को आपको वैसे भी वो करना नहीं मुझे तो ये दो का काम कराने हैं और दूसरी एंट्री बताओ बिल वापस दे देने पड़ेंगे बीएफसी लायबिलिटी टू बीएफसी एसेट आगे बिल डिसऑनर्ड एंड रिटर्न बाय 5,50,500 बिल कैंसिल कर देना है डिसऑनर्ड हो गया रिटर्न हो गया बोलो लायबिलिटी टू असेट बस ये आप चाहे तो जल्दी एंट्री वापस से लिखो या तो ऑलरेडी तुम्हारे नोटबुक में लिखी है बाजू में खाली अमाउंट लिख दो जैसे मैंने किया और दो अकाउंट का नाम ले चलो अकाउंट एग्जाम में ये टॉपिक इस कॉन्सेप्ट पर ऑलवेज ले चलो अकाउंट भी पूछते हैं
अकाउंटिंग बैलेंस लिख दिया, अभी क्या करो, अभी ये एंट्री सपोर्ट्स कर दो, 6450 का नहीं मिले, बीएफसी असेट टू बीएफसी लायबिलिटी। क्या बैलेंस बताओ?
Okay. बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बैंक गारंटी? एक कागज
डेवलपर सोसाइटी को देगा, बैंक का कागज, उसमें बैंक लिखती है सोसाइटी को, यदि बिल्डर ने काम पूरा नहीं किया तो हम तुमको 20 करोड़ दे देंगे ताकि तुम वो पैसे से बिल्डिंग बना सको। यदि बिल्डर ने काम पूरा कर दिया तो ठीक है, काम पूरा हो गया। सो सोसाइटी की क्या कंडीशन है? डेवलपर बिल्डर हैज टू गिव बैंक गारंटी, बैंक का गारंटी टू द सोसाइटी कि हम काम पूरा करेंगे, नहीं तो फिर 20 करोड़ तुम ले लेना बैंक से। सो बिल्डर क्या करेगा? वही सोसाइटी के पास, अरे बैंक के पास जाएगा, ओ बैंक तुम मेरा गारंटर तो एक खाली कागज ही देना है कि मैंने काम पूरा नहीं किया, तो तू 20 करोड़ भर देना खाली कागज। बैंक बोलती आ जा भाई, हमको तो तुम्हारी ही कस्टमर की जरूरत थी, तुम्हारे जैसे ही। बैंक 5% फीस ले लेगी पहला तो, हाँ फ्री कुछ नहीं होता है, इंस्टीट्यूट का लेक्चर पूरी है जो सस्ते भाव में होगा। सो बैंक ने 20 करोड़ का 5% फीस ले लिया, 1 करोड़ रुपए तो पहले ही किसे में, और ऊपर से क्या करेगी, डबल दबाव, 40 करोड़ की सिक्योरिटी मांगेगी कि तुम्हारी ऑफिस लैंड बिल्डिंग और घर बार गिर रख दो। वो करने के बाद बैंक लेटर देगी। सो बैंक के लिए क्या हो गया आगे, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, लायबिलिटी आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, बिल्डर ने काम पूरा किया या नहीं किया, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन कहाँ बताया जाएगा बैलेंस शीट में, आउटसाइड द बैलेंस शीट कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, वो बुक्स में नहीं होता है। अब सोच के बोलना, क्या ये कॉन्टिजेंट लायबिलिटी की किताब में जर्नल एंट्री होती है? ऑफकोर्स नहीं होती है, नहीं होती, लायबिलिटी नहीं है, किसको डेबिट करूं किसको क्रेडिट करूं। एज ऑन टुडे देयर इज नो बुक कीपिंग एंट्री व्हेन बैंक एक्सेप्ट्स द बिल, खाली वो 3 करोड़ 3 लाख जो भी कमीशन ले लिया उसकी एंट्री कर देंगे बैंक टू कमीशन। बिल एक्सेप्ट करने की टेक्निकली कोई एंट्री नहीं है, बिल्डर को बैंक गारंटी का कागज देने के लिए कोई एंट्री नहीं है, मेरे लिए तो कॉन्टिन्यूंट लायबिलिटी है, मैं बैंक हूँ। लायबिलिटी आएगी या नहीं आएगी वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। सो टेक्निकली कॉन्टिन्यूंट लायबिलिटी बुक्स में ही नहीं होती है, बुक्स में नहीं है तो एंट्री कहाँ से हुई। लेकिन सपोज हमको जबरदस्ती से कॉन्टिन्यूंट लायबिलिटी की भी किताब में एंट्री करनी है तो अभी तो सिखाया ना, न्यू मेथड अपनी मेथड है, दुनिया में कुछ भी हो जाए, कुछ फॉर्म सत्य समझना है, डेबिट होता है क्रेडिट होता है। लाइफ में आज तक मेरा फाइनल अकाउंट टैली नहीं हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ है नौवीं से लेके अभी तक, क्यों? ट्रायल बैलेंस का ट्रांजेक्शन एक बार और एडजस्टमेंट दो बार टैली तो होगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं आता है छोड़ दो, बैलेंस शीट तो टैली होगी ना, लेकिन तुम्हारी तो टैली भी नहीं होती थी, तुम्हारा तो बैलेंस शीट भी टैली नहीं होता था। बारहवीं के बाद FYSY TY में तुम्हारी एक भी बैलेंस शीट टैली नहीं हुई है, सिंगल एंट्री का एक सम लाइफ में टैली नहीं हुआ है, क्लास को छोड़ के, क्लास में होता था टैली, सब करते थे, आज के बाद हो जाएगा तुम्हारा भी बैलेंस शीट टैली, क्यों? The bill.
that is liability, arise hua ya nahi hua, did not arise, liability did not arise, on due date customer ne bill honor kiya, liability arise nahi hua, bolo kya entry karo, liability to asset. Liability cancel कर दो. Liability to asset. ठीक है. When on due date bills dishonored and bank has to pay. When on due date bill dishonored and bank has to pay. क्या करेंगे? तो दो एंट्री करना होगा. पहला तो मेरे जेब से पैसे गए, कमीशन छोड़ो, इंटरेस्ट छोड़ो, और अगर एंट्री होगी कस्टमर टू इंटरेस्ट जो भी मुझे लेना है, पैसे गए, तू कैश गया फॉरेनर को दिया, मैं सीधा कस्टमर के खाते में डेबिट कर देगा, मैं तो उससे लेने वाला हूं, जितना भी पैसा मैंने फॉरेनर को दिया कैश तो चला गया, लेकिन डेबिट कहां करेगा, मेरा नुकसान थोड़ी है, मेरे पीएनएल में थोड़ी आएगा, मैं तो कस्टमर के अकाउंट में लिख देगा, एज इफ मैंने लोन दिया वैसे ही नहीं हो गया. और एक एंट्री बताओ, बिल भी पड़े अभी तक, वो तो कैंसिल कर दो, तो क्या एंट्री होगी नेक्स्ट, ए ये लो लायबिलिटी, क्यों क्या ए ये लो असेट, दैट मींस इसका कॉन्सेप्ट पहले वाले जैसा ही तो है. चलो लिखो ये बात, मैं लिखता हूं, लिखा वेन हेडिंग लिखा, लिखो कॉन्सेप्ट नंबर 7, खाली हेडिंग लिखना, ये दो अकाउंट का नाम अभी मत लिखना. ट्रीटमेंट ऑफ एक्सेप्टेंसेस एंडोर्समेंट्स and other obligations, treatment of acceptances, endorsement and other obligations, bracket mein A, E and O, tu sabka pura wala koi A, E and O, then you put it up, chill you, under the interview you go next line mein you go, when bank has accepted, bank has accepted, guaranteed, you know customer ने accept किया है, लेकिन foreigner बोलता bank का भी signature है, तो उसे endorsement बोलते हैं, bank ने directly accept किया तो acceptance हो गया, bank ने counter guarantee दिया तो endorsement हो गया. When bank has accepted, guaranteed bills on behalf of its customer, for bank it is a contingent liability. It is not an accounting item. But still, bank brings this on record. By preparing following two accounts in its ledger. ठीक है, ये दो अकाउंट का नाम लिखो, लेकिन बीच में एक लाइन छोड़ना, क्योंकि मुझे और कुछ इधर लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना, ए ई एंड ओ
asset account, A-E-N-O, liability account. Next slide. Number one. Next slide, you go. The accounting entries are as follow. The accounting entries are as follow. The accounting entries are as follow. First, opening balance will appear, opening balance will appear on the debit side of AENO asset account, debit side of AENO asset account and credit side of AENO. Look at my liability account. As opening balance brought down. Second, when bank accepts the bill, when bank accepts the bill on behalf of customer, answer it. AENO asset account debit to AENO liability account. AENO asset account debit to AENO liability account. Third, when on due date, that is for bank, liability did not arise. Customer dishonored the bill and bank has to pay. Fourth, when on due date, customer dishonored the bill and bank has to pay. When on due date, customer dishonored the bill and bank has to pay. When on due date, customer dishonored the bill and bank has to pay. दो एंट्री करो, पहला एंट्री क्या होगा? कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और दूसरा ई पे यू लायबिलिटी टू ई यू एसेट.
पांचवा पॉइंट क्लोजिंग बैलेंस इन दिस टू अकाउंट्स, क्लोजिंग बैलेंस इन दिस टू अकाउंट्स रिप्रेजेंट्स, closing balance in these two accounts represents the bills accepted oblique guaranteed, bills accepted oblique guaranteed by bank but not yet matured, but not yet matured. And it will appear, and it will appear outside balance sheet, it will appear outside balance sheet as contingent liability. वो तो ठीक है, अब क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कौन सा वाला अकाउंट है?
दो अकाउंट है इधर हमारे पास, तो आंसर अपने समझने के लिए लिखता हूं, हमेशा ये यही अकाउंट है, नो क्वेश्चन व्हाई, एग्जाम व्यू पॉइंट कौन सा, यही है नो लायबिलिटी अकाउंट, बस ये अपने समझने के लिए लिखा है, एग्जाम में आप ऐसे लिखने वाला है। सो एग्जाम में ये कॉन्सेप्ट में जैसे हम सॉल्यूशन करेंगे वैसे ही करना है, अपना कोई डिस्कशन नहीं होगा इसके पर ऐसा क्यों करना है, क्योंकि एग्जामिनर के सॉल्यूशन के पास ये है, तो वापस स्टडी मटेरियल आप देख लेना सॉल्यूशन, ठीक है। अब बताओ मैं कैसे स्टार्ट करूं, फर्स्ट अप्रैल तुमको पहले एक दो ट्रांजेक्शन लिखने को, बाद में तुम लिखना ओपनिंग बैलेंस, ये लायबिलिटी है और वैसे वे क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। आगे देखो 44 लाख के बिल हमने एक्सेप्ट किए हैं, एंट्री बता एयू असेट टू लायबिलिटी, आप देखना मुझे तो एक ही अकाउंट बनाना है, सो आई टेक एयू लायबिलिटी, फिर क्या लिखूं बाय व्हाट, सामने का नाम लिखते हैं ना, सामने को नाम लिखते हैं एयू असेट लिखते हैं, यहाँ एग्जामिनर क्या लिखता है, यहाँ एग्जामिनर लिखता है एईओ असेट का नाम आपके क्वेश्चन पेपर में दिया होगा, मैंने कहीं छोड़ा था, बोला था ना छोड़ देना, यहाँ उनका नाम पेपर के अंदर है कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, constituents liability for acceptance endorsement and other obligation, आपको ऐसा ही लिखना है, तो कैसे लिखूं, क्या लिखूं, constituents liability for acceptance comma endorsement कस्टमर की लायबिलिटी है मेरी नहीं, फॉर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एक्सेट्रा, कंस्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन, एक लाइन छोड़ा है वहां लिखना, तो एग्जाम में ऐसा ही आंसर दिखना है 4 मार्क का, बस अब ये लेक्चर बना, अभी तुम पोस्टिंग करके बताओ, ऊपर ठीक से लिखना, जहां भी गड़बड़ मत करना, जिसके पास प्रैक्टिस मैन्युअल है स्टडी मटेरियल है वो देख सकते हैं, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले सर है ना उनका लेक्चर 7 बजे चालू हो जाता है, सर 7 बजे आते नहीं है, मैंने क्या बोला 7 बजे लेक्चर चालू हो जाते हैं, तुमने बोला अच्छा है मजा आएगा सबको, मैंने बोला थोड़ा कीवर्ड कराओ बच्चे लोग को याद करवा दो, बच्चे लोग क्या मेहरबानी करते हैं आके, हमारी जिम्मेदारी होती है सब कुछ याद करवाना, सो ये टाइम सबको मैंने बोला थोड़ा अलग स्टाइल से पढ़ाओ, कौन सी स्टाइल से, कीवर्ड बनाओ और बच्चे को याद करवाओ, और हर एवरी 1 आवर में लास्ट 5 मिनट पूछो जरा याद कितना है, या तो फिर लास्ट 3 घंटे में 15 मिनट में पूछो कितना याद है, मतलब कि उसी वक्त सब याद कर दो, दैट वे पूछो मतलब नोट एग्जाम व्यू पॉइंट पूछो ताकि याद रह जाए सब कुछ, उधर सब टेक्निकल सब्जेक्ट का भी मत करना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कि कुछ नहीं कर सकते, नया है इसके लिए वाले को पीएम ले आना है।
बैलेंस में डाल के नेक्स्ट लेक्चर में चेक करता हूँ। चले बेटा क्या नंबर आएगा? तुमको क्या लगता है जो सोल ट्रेडर होता है
प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप उनको अपना नेट प्रॉफिट ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला ज्यादा बताने में इंटरेस्ट होता है कि कम बताने में इंटरेस्ट होता है प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फर्म कम क्यों हाँ क्योंकि इनकम टैक्स लगता है ना और टैक्स कम लगने में ठीक है तो जो लोग भी आर्टिकलशिप करते हैं उनको पता ही बात कि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप को टैक्स कम भरना है तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस वाले नेट प्रॉफिट कम से कम होना चाहिए वर्सेस व्हाट डू यू थिंक बैंक्स लिस्टेड कंपनियां उनको अपना प्रॉफिट कम बताने में इंटरेस्ट होता है कि ज्यादा बताने में टैक्स ज्यादा लगेगा ज्यादा बताएगा तो चलेगा ज्यादा बताने में इंटरेस्ट है बैंक का प्रॉफिट ज्यादा है कॉन्फिडेंस टिका रहेगा लिस्टेड कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है भले टैक्स ज्यादा लगता है शेयर का प्राइस बढ़ता है नया इन्वेस्टमेंट आता है नया पार्टनर्स मिलते हैं धंधा करने को नया कोई अपनी कंपनी खरीदेगा तो ज्यादा पैसा आएगा दैट मीन्स बैंक एंड लिस्टेड कंपनी को अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बताना है लॉसेस है तो कम से कम लॉस बताना है अब ध्यान से सुनना जो मैं बोलता हूँ हमारी बैंक के पास 1000 करोड़ की सिक्योरिटी है खरीदा था लेकिन मार्केट एकदम डूब गया और उसकी मार्केट वैल्यू खाली 200 करोड़ हो गया अब पता है मैं कॉस्ट ऑफ मार्केट पीछे भी स्लैश में लिखेगा ना तो 800 करोड़ का प्रॉफिट हिट हो जाएगा क्योंकि कॉस्ट 1000 करोड़ है मार्केट प्राइस 200 ही हो गया 800 का लॉस बुक हो जाएगा मगर मैं बैंक हूं मुझे लॉस बुक नहीं करना 800 करोड़ मैं तुम्हारे पास आता हूं तुम लोग कौन है इंटेलिजेंट सीए लोग सो मैं तुमको सलाह पूछता हूं मैं क्या करूं मेरे को 800 करोड़ लॉस बुक नहीं करना है तो तुम लोग क्या सलाह देंगे अरे बोलो क्या सलाह देंगे ये भगवान लगता है तुम लोग सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं अरे लाइफ में पहली बार कोई एडवाइस मांग रहा है भले फ्री में है और भाई मैंने बोला कॉस्ट ऑफ मार्केट पीछे प्राइस लेस करेंगे तो 200 करोड़ में आ जाएगा 500 करोड़ का लॉस हो जाएगा कॉस्ट ऑफ मार्केट पीछे प्राइस लेस तो इसका बोल है तो तुम क्या सलाह देंगे अरे भाई ये इन्वेस्टमेंट को हम एंड तक रखने वाला है उस प्रकार क्लासिफिकेशन कर दो और इधर को क्या बोलेंगे ये मेरी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है मैं तो एंड तक रखने वाला हूँ हेल्ड टू मैच्योरिटी रखने वाला हूँ ये भले ना मार्केट में भी 200 हो गया मैं तो 1000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ पर ही रखने वाला हूँ आया ना यही एडवाइस देंगे ना सही एडवाइस है अभी फीस ले लेना ठीक है और सपोज मैं बैंक हूं मेरा टोटल सबके सब इन्वेस्टमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट 5000 करोड़ है सबके सब डूब हो गई 1000 करोड़ मार्केट वैल्यू हो गई 4000 करोड़ लॉस हो गया तो मैं क्या करूं सबको बोल दो हेड टू मैच्योरिटी है वही बोलेंगे ना लॉस बुक में करेगा तो कोई तरीका ही नहीं है टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम रिजर्व बैंक क्या बोलती है पता है बैंक कैनोट कीप मोर देन 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन दिस कैटेगरी तुम उस्ताद है तो रिजर्व बैंक तुम्हारा भी उस्ताद है समझ में आया रिजर्व बैंक ने क्या रूल बना दिया है बैंक कैनोट कीप मोर देन 25% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट इन दिस कैटेगरी लिखो ये बात क्वेश्चन में से एक एडजस्टमेंट है इसके ऊपर कोई इंडिपेंडेंट चार्ट का क्वेश्चन नहीं आता है
और यदि पीएनएल अकाउंट बनाने को बोला है तो उसमें एक एडजस्टमेंट इसके पर आ सकती है, पूछा है दो साल पहले अपने इंस्टीट्यूट का मटेरियल से लेना हुआ एडजस्टमेंट। जो लोग एक चैप्टर की ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, आईपीसीसी ओल्ड प्रैक्टिस मैनुअल ओल्ड सिलेबस उसको सॉल्व करना है। न्यू सिलेबस वाले को स्टडी मटेरियल में कुछ ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है इसके पर, मैंने लिखवाया था ना नोट बुक में किधर को आपको ये टॉपिक की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, वैसे आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस। लेकिन प्रैक्टिस तो कब करेंगे जब एक बार रिवाइज किया खुद, हम तो सेम थिंग सेम नहीं अभी तक पढ़ना बाकी है, आज पढ़ेंगे तो आज पढ़ेंगे, आज नहीं पढ़ेंगे तो सीधा अगले साल। जो मेन एग्जाम वाले हैं टेंशन फ्री, 28 दिन बाकी है, 29 डेज अभी टेंशन नहीं है हमको, क्यों एग्जाम अगले साल है, जब 31 रात को सोएंगे 1 जनवरी को उठेंगे ना तब पता चल जाएगा। मतलब ये बरस है पढ़ना स्टार्ट हो जाओ, पता है तुमको जब तुम नहीं पढ़ते हैं ना कोई और पढ़ता है, कोई पढ़ता होता है। चलो fall in the value of investment
should be booked in P&L. How much loss or fall in the value of investment should be booked in P&L? ठीक है ये क्वेश्चन है क्या आंसर आएगा देखो आंसर रिमार्क क्या हो गया ऐसा कैसे चालू है ना आंसर अबे ओ उस्ताद इंश्योरेंस भी नहीं निकाला है मैंने पूरा उसको खोल दे तीनों पहिया खोल डाल मैंने खुला हुआ है सब पूरा अरे हाँ ना ठीक है ऐसा हुआ ना तो तुम दोनों को यहाँ से उठाएंगे हाँ Answer Iko. Bank is interested in showing higher profit. Bank is interested in showing higher profit or minimum losses. Bank is interested in showing higher profits or minimum losses, full stop. For this purpose, bank will classify. Bank will classify its worst WRSD. Bank will classify its worst WRSD, worst 25% investment as held to maturity. Bank will classify its worst WRSD, 25% investment, as held to maturity. Full stop. इसका मीनिंग समझ में आया? क्योंकि मुझे बैंक को मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, मिनिमम लॉस बताना है, तो जो मेरी बुरे से बुरी इन्वेस्टमेंट है, जो भेलपुरी जैसा वैल्यू हो गया, जीरो रुपीस, कागज का टुकड़ा हो गया, उसको मैं बोलेगा held to maturity है, भले उसकी वैल्यू जीरो है फिर भी पूरी वैल्यू करेगा ताकि मेरा नुकसान कम से कम हो तो हमारा प्रॉब्लम में देखो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में सब मिलकर इन्वेस्टमेंट कितनी है ट्रायल बैलेंस में इन्वेस्टमेंट 37 लाख है इसका मैं दो टुकड़ा करता हूँ बताओ कौन सा दो टुकड़ा बुरे से बुरा अच्छे से अच्छा worst 25% and best 75% ठीक है ये कैसे वैल्यू करेंगे इट इज वैल्यूड एक निकला तो टुकड़ा करते हैं चलो ना कॉस्ट कितनी होगी कॉस्ट 9,25,000 ये कॉस्ट है ये इसकी कॉस्ट बताओ अभी तक मैंने क्या किया आंसर कुछ नहीं किया इन्वेस्टमेंट का दो टुकड़ा किया जो 37 लाख है मेरे पास 25% 9,25,000 75% 27.75 अब बोलो मैं इसको कैसे वैल्यू करेगा वैल्यूड है कॉस्ट वैसे भी देखो उसकी मार्केट वैल्यू किधर दिया है नहीं दिया है जो मेरी पूरी से पूरी मार्केट वैल्यू दिया ही नहीं है कहां से देंगे होगा तो देंगे ना जीरो हो गया सो वैल्यूड एट कॉस्ट तो क्या प्राइस पर वैल्यू करो वैल्यूड एट 9,25,000 पर वैल्यूएशन कर देंगे आंसर भले उसका मार्केट वैल्यू नहीं दिया है जीरो है फिर भी मैं कॉस्ट पर वैल्यू करेगा ये बताइए इसको कॉस्ट और मार्केट ये बताइए मार्केट कितनी है 9 लाख वैसे तो ये भी डूब गया है पीछे वो इज लेस
ये क्या प्राइस पर वैल्यू करेंगे, ये 9 लाख। आप देख सकते हैं जिसकी रियल मार्केट वैल्यू 0 है उसका वैल्यूएशन ज्यादा हो रहा है, और जिसकी कुछ तो मार्केट वैल्यू है उसका वैल्यूएशन कम आ रहा है। सो बताइए टोटल वैल्यूएशन कितना है, आरोप ये तो समझ में आ गया है। हमने इन्वेस्टमेंट का दो टुकड़ा किया है, कौन सा दो टुकड़ा, पूरे से पूरी 25%, जिसकी मार्केट वैल्यू ही नहीं है, फिर भी उसे कॉस्ट पर वैल्यू किया क्योंकि उससे मैंने हेल्प टू माई ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन एक कॉस्ट पर क्यों वैल्यू किया, क्यों तो इधर लिखते हैं ना, इट इज क्लासिफाइड एज, ये तो लिखना चाहिए ना, हेल्प टू मैच्योरिटी, हेंस वैल्यूड एट कॉस्ट। सो वैल्यूड एट और ये बोलिए क्लासिफाइड एज, अवेलेबल फॉर सेल और क्या, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। इट इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू। तो बताइए वैल्यू डेट कितना, लिखना स्टार्ट करो, बाकी है बैंकिंग वाली मालूम है वो अभी 3-4 दिन के बाद आएगी।
लेकिन जिस पे एक भी बुक्स नहीं मिली है उन लोग कुछ बुक्स लेके जाना फीस बता लेकिन एक भी बुक दी नहीं है क्योंकि फीस बताने के बाद बुक देते हैं तो उन लोग लेके जाना चले चलो बाकी के लोग स्टार्ट करो क्या बैलेंस शीट का फॉर्मेट बुक का लास्ट पेज जो है लास्ट प्रॉब्लम फंडस बैंक इसको नाम है लाइन ड्रॉ करो Entonces, ¿qué es eso?
बाद में बनाएंगे, पहले इतना बनाओ फिर हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर टाइम हो गया, स्पीक द क्वेश्चन। कितना टाइम बाकी? 5 मिनट बनाए हुए हैं। उसमें कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज पहला है,
रेंट रिसीव्ड वगैरह होता है, अदर इनकम, चांसेस होना जो मैं बोलता हूँ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उधर ही आता है, माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी उधर ही आता है, प्रॉफिट ऑन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन माइनस लॉस ऑन फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन बैंकिंग असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड माइनस लॉस ऑन सेल ऑफ गोल्ड उधर ही होता है। सो लेट्स लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट के बाद में लिखो अदर इनकम, ये तुम्हारे पास उसमें पड़ा है। पीएफ कंट्रीब्यूशन, अंडरलाइन द वर्ड कंट्रीब्यूशन, डेबिट में कि क्रेडिट में, पता क्या आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, पेमेंट टू एंड प्रोविजन फॉर एम्प्लॉई, एम्प्लॉई एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाजू में एम्प्लॉई एक्सपेंस, डायरेक्ट ऑफिस, स्टेशनरी, ऑडिटर फीस, जनरल एक्सपेंस, ये चारों आइटम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट ऑफिस, स्टेशनरी, ऑडिटर एंड जनरल, आगे कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज एंड प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ गोल्ड, वो दोनों आइटम अदर इनकम। बाद में शॉर्ट देखता हूँ, वेलकम है देखता हूँ, शॉर्ट लोन डेबिट में कि क्रेडिट में, शॉर्ट लोन डेबिट में कि क्रेडिट में, क्रेडिट में, तो बताओ कहाँ आएगा, बोल वही मिक्स ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में तो असेट है, सुनो क्या ये समझो, हम लोग देना बैंक है, हमारा कोई कस्टमर है इंडिया में, देना बैंक का कोई कस्टमर इंडिया में है, वो नैरोबी केन्या से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता है, रिसीव पेमेंट ऑफ मनी, मगर मेरी देना बैंक की तो केन्या में ब्रांच ही नहीं है, तो मेरा कस्टमर रिसीव पेमेंट कैसे करेगा, आंसर मेरा ब्रांच नहीं, मेरा दोस्त तो है ना उधर, एक बैंक का दोस्त कौन होता है, दूसरी बैंक, तो वहां की कोई लोकल बैंक अपना दोस्त होगी, वहां मैं देना बैंक एक खाता खोलेगा और अपना इंडियन कस्टमर रिसीव पेमेंट वो मेरे खाते से करेगा, तो मेरा जो बैलेंस है वहां खाता खोल के उसको ये बोलते ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट, तो उसका मीनिंग नीचे लिख डालो, ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट ऐसे लाइन खींचो नीचे तक और लिख डालो बैलेंस विद अदर बैंक आउटसाइड इंडिया, क्या ये बैलेंस विद अदर बैंक आउटसाइड इंडिया, ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट का नाम क्या है, तुम तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, ये लाइन ड्रॉ करने का कोई मतलब नहीं है, ये इंपॉर्टेंट था, ओइंग बाय फॉरेन कॉरेस्पोंडेंट किधर है, इसका मतलब बताओ, बैलेंस विद अदर बैंक आउटसाइड इंडिया कहां आएगा, वही बैलेंस विद अदर बैंक, आगे रिजर्व फंड, अंडरलाइन द वर्ड रिजर्व फंड, बाजू में उसका नाम लिखो स्टैट्यूटरी रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व का दूसरा नाम है रिजर्व फंड, क्योंकि वो रिजर्व है रिजर्व में आएगा। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फंड, वापस आना बैंक का रिजर्व, तो रिजर्व में आएगा। बैंक ओडी लोन एंड कैश क्रेडिट, डेबिट में कि क्रेडिट में, डेबिट में, सोच के बोलो कहां होता है, एडवांसेस, एडवांसेस प्रीमाइसिस असेट होता है। What about Kerala government bond and government of India security investment? दोनों debit में asset है। Current account debit में कि credit में? Credit में deposit. Provision for tax other liability. Opening PNL कुछ मत लिखो, direct figure है। Profit loss got forward, forget it. Money at call short notice कुछ मत लिखो। बिल डिस्काउंटेड की बाजू में लिखो एडवांसेस, क्यों मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस को कुछ नहीं लिखना है, अब डायरेक्ट फिगर है। शेयर्स ऑफ अदर कंपनी इन्वेस्टमेंट, कैश यू नो इट, कैश एट बैंक कुछ नहीं लिखना है, एडवांस इनकम टैक्स पर लिखो लेस फ्रॉम प्रोविजन फॉर टैक्स, एडवांस इनकम टैक्स की बाजू में लिखो लेस फ्रॉम प्रोविजन फॉर टैक्स, सैलरी मालूम है ना पीएनएल में आने वाला है, इंटरेस्ट भी पीएनएल में आने वाला है, डिविडेंड पे इनको अंडरलाइन करो, बाजू में लिखो अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन डिपॉजिट एंड सेविंग बैंक पे डिपॉजिट वर्ड को अंडरलाइन करो, बस ऑल राइट।
अभी मुझे मालूम है चार पांच जन को ये बुक बाकी है, वो भी तीन चार दिन के बाद आएगी, लेकिन जिसने फीस भरा है एक भी बुक नहीं मिली, बड़ा कुछ बुक लेके